बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया यार, पाकिस्तान से लाइव हूँ यार। सऊदी अरबिया मेरी जुबान के ऊपर आ जाता है हर बार, 2 साल हो गया यही रिपीट कर रहा हूँ। तो अपने घर से लाइव हूँ, घर में बैठा हुआ हूँ, आप बैकग्राउंड से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। तो एक वीडियो है जी, ये किसी सऊदी ने बनाकर नेट के ऊपर लगाई और उसके बाद ये वीडियो नेट के ऊपर वायरल हुई और अभी लोग इसके ऊपर बहुत से अपनी अपनी हर बंदा राय दे रखा है। मैं खुद से 10-11 साल सऊदी अरब में रह चुका हूँ, पाकिस्तान में हूँ और इंशाल्लाह जल्द वापसी होगी या जो भी सूरत होगी इंशाल्लाह तला आपको अपडेट करता रहूँगा। ये एक बंदे की वीडियो है जी। अभी इसको बंगाली बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं, क्योंकि बल्दिया में मैंने मिक्स वॉल देखा हुआ है। पाकिस्तानी मैंने बहुत से देखे हैं बल्दिया में, ज़्यादातर लेकिन ड्राइवर होते हैं, लेकिन बंगाली ज़्यादातर सफाई सुथराई के मामला में होते हैं जी। बहरहाल जो भी है जी, इसके मतलब तो वाजा नहीं किया गया, खुद से जो मैंने देखा है जी वो आपके साथ एक दो बातें शेयर कर दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये वीडियो भी आपको साथ में दिखाता हूँ। आप खुद से आपको साथ साथ वीडियो भी दिखाता जाऊँगा, देख सकेंगे ये बंदा काम कर रहा है, फिर आके बात करनी है। बात ये है जी कि एक दफ़ा हम केक में लगे हुए थे, आपको पता है जी दमाम वाली साइड पर जाएँ तो रस्ते में दमाम से पहले एक बकेक शहर आता है, ज़्यादातर उसे भाई जो गोरे हैं जी उनका ही शहर कहा जाता है। वहाँ पर इशारे भी वगैरह थोड़ा उल्ट किस्म के हैं, क्योंकि अरामको की बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पर। मैं काम कर चुका हूँ 3-4 माह बकेक शहर में और बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। वहाँ पर एक बंगाली घास काटने वाला ट्रैक्टर होता है छोटा, उसके ऊपर बैठा है, घास काट रहा है। तो हम उससे थोड़ी गपशप करने लगे, मैं और मेरे साथ एक पठान बाबा था, दोनों गपशप होने लगी। मैंने उसको बोला क्या सैलरी, वो बोलता 1200 रियाल। मैंने बोला 1200 रियाल में यार तू क्या खाता है, क्या बचाता है? जाहिर सी बात है आपको भी पता, जो आप सऊदी में रहते हैं मेरे भाई। तो बोलता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2500 बचाता हूँ। मैंने बोला हैं, वो बोलता हैं। मैंने बोला वो कैसे भी, तेरी 1200 रियाल सैलरी है तो 2500 कैसे बचा लेता है? तो मेरे को आगे से बोलने लगा ऐसे ही बचा लेता हूँ। फिर बहरहाल जो भी डिटेल हुई, मुझे बोलता है कि मैं बाहर काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, या वो जो भी भाई कचरा वगैरह जाहिर सी बात है बर्मील वगैरह जो पड़े होते हैं उनमें से लोहे वगैरह की जो चीज़ें करता वगैरह अलहदा करते हैं वो बेचती, वो आप सब भाइयों को पता है अच्छे से। तो सच बोलता होगा जी, जाहिर सी बात है उसको क्या जरूरत से हमें झूठ बोलने की। और इसके अलावा मैं कुछ बंदों को ऐसों को भी जानता हूँ जो वाकया ही ये बातें बताते हैं कि हम इतने कमा लेते हैं। एक किस्सा आपके साथ शेयर कर दिया, वीडियो लंबी होती है कि आपको साथ में वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख रही। सऊदी ने ये वीडियो बनाई है इस बंदे की इशारे के ऊपर सफाई कर रहा है। और एक चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा, जिस इशारे के ऊपर ज़्यादा गाड़ियाँ रुकती हों, जिस महत्ता के ऊपर ज़्यादा गाड़ियाँ रुकती हों, वहाँ पर एक मखसूस आदमी होता है जी रोज़। अभी वो फोरमैन के अंडर में होता है, यानी कि फोरमैन को भी कुछ देता है, ये एक अलग से मामला है, इसके मतलब मुझे इलम नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक बंदा इनका ज़रूर होता होगा जो वहीं पर वो छोटे से एरिए में वही घूमे जा रहा है। तो गाड़ियाँ वगैरह, अच्छा ये बंदा उसमें ये बोल रहा था कि ये भीख मांग रहा है, तो लेकिन भीख नहीं मांग रहा है, ये है, लेकिन गाड़ियों वाले खुद इनको पैसा दे देते हैं। कैसे, ये सफाई सुथराई कर रहा है और वो देखता है उनकी तरफ तो वो शीशा नीचे करती है, उसको 2000-4000-5000-10000 पकड़ा दिए। तो हरम शरीफ में भी ऐसा होता है, मैंने खुद से देखा है, और मदीना शरीफ में भी ऐसा होता है, मैंने खुद से देखा, सफाई सुथराई वाले जो बंदे हैं उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि ये भीख नहीं है जी, ये खुद खुशी से कोई बंदा किसी को दे रखा है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मुझे इस वीडियो को देखने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि ये भीख मांग रहा था। आपने इस वीडियो में क्या नोट किया, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।